नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आगे हैं एक नया वीडियो लेके जिसका टॉपिक है रोड फ्रेट कैलकुलेशन। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स जो हम लोग को जानना चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्रेट, वो वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं कि रोड फ्रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रॉब्लम है, अ 17 मेट्रिक टन कंसाइनमेंट नीड्स टू बी शिफ्ट फ्रॉम प्लांट ए टू डेस्टिनेशन बी वाया रोड और फिक्स्ड एक्सपेंसेस मैंने मेंशन कर दिया है ₹62,225 पर मंथ, राइट। अब फॉर डूइंग दी सम यू नीड टू कंसिडर दी फॉलोइंग पैरामीटर्स, जैसे क्वांटिटी हो गया 17 मेट्रिक टन क्वांटिटी लेके जाना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी है 60 किलोमीटर, डीजल प्राइस है ₹67 पर लीटर, मेंटेनेंस जो है ₹1.50 प्रति किलोमीटर। ये हम लोग ने एक सर्वे किया था, एक सर्वे विद द ड्राइवर्स एज वेल एज ट्रक ओनर, तो हम लोग को मिला था ₹150 पर किलोमीटर खर्च होता है मेंटेनेंस के पीछे। अब टायर कॉस्ट ₹22,500 पर पीस है और लाइफ साइकिल ऑफ टायर्स हम लोग ने 75,000 किलोमीटर पकड़ा है, माइलेज है 4 किलोमीटर पर लीटर, ट्रांसपोर्टर मार्जिन जो है वो 10% हम लोग ने लिया है, ईएमआई हम लोग ने पकड़ा है 25,000 पर मंथ। इस सम्स को करने के लिए यू शुड कंसिडर ट्रक डिप्रिसिएशन, बट हम लोग ने इस फ्रेट कैलकुलेशन में ट्रक डिप्रिसिएशन का कंपोनेंट नहीं रखा है, लेकिन वो करना भी चाहिए। इन डिटेल्स जब हम लोग करेंगे फ्रेट कैलकुलेशन इन फ्यूचर, तो हम लोग तब ट्रक डिप्रिसिएशन फैक्टर भी इंक्लूड कर देंगे। और हम लोग ने एक अजम्पशन लिया है कि ट्रक आप एक प्लांट से जा रहा है, डेस्टिनेशन में खाली कर रहा है, वापस प्लांट में एम्प्टी रिटर्न आएगा। सो ये आपका सम है। तो अब हम लोग सम्स करने के लिए प्रोसीड करते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है फिक्स्ड कंपोनेंट जो जो रहता है उसको कैलकुलेट करना। और एक चीज सम में मैंने जो और एक चीज जो मैंने मेंशन करना उधर मिस आउट कर दिया है कि वो ट्रक कितना ट्रिप्स करता है या कितना ट्रिप्स के लिए वो ट्रक डिजाइन किया गया है, वो है 24 ट्रिप्स पर मंथ, राइट। अब देखिए फिक्स्ड कंपोनेंट्स देखिए, ड्राइवर सैलरी ये पर मंथ में अप्रोक्सीमेटली 12,000 है, क्लीनर सैलरी इज 5,000, ट्रिप अलाउंस इज 7,500। नॉर्मली क्या किया जाता है, हर एक ट्रिप में ₹500-600 करके ड्राइवर को मिलता है फॉर दी फूडिंग एक्सपेंसेस, एक रफ फिगर मैंने पकड़ लिया है 7,500। इंश्योरेंस जो है ईयरली ऐसे अप्रोक्सीमेटली ₹50,000 लगता है, सो पर मंथ मैंने अप्रोक्सीमेटली ₹4,000 लिया है। फिटनेस है 375, ये भी आपको ईयरली इसका डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस ईयरली होता है, सो वी हैव डिवाइडेड दैट इन मंथ्स। ईएमआई हम लोग ने ₹25,000 पर महीना पकड़ा है। टोल टैक्स ₹100 है, ये अप डाउन टोल टैक्स है, मतलब ₹50 ऑनवर्ड जर्नी के लिए, ₹15 रिटर्न जर्नी के लिए। आरटीओ मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹4,000 पर मंथ हम लोग ने पकड़ा है। टर्पोलिन वी हैव अज्यूम दैट वन टर्पोलिन इज यूज्ड इन अ मंथ, सो ₹1,500 टर्पोलिन के लिए पकड़ा है। एंड जीपीएस चार्जेस इज ₹250 पर मंथ, सो टोटल हम लोग का ₹62,225 आ रहा है। आर यू क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप जो है तो हम लोग को फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर ट्रिप में निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, जो हम लोग ने इधर फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकाले हैं वो पर मंथ है, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स पर मंथ जो डिजाइन किया गया है तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो इन दिस केस ये आ रहा है ₹2,593 पर ट्रिप। अगर ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी इजी, ईयरली को आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर मंथ को पर ट्रिप कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेरिएबल कंपोनेंट्स का कैलकुलेशन है।
अब हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल कंपोनेंट्स कौन सा है ये एक्सप्लेन किया था, तो आज हम लोग उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप वुड बी मेंटेनेंस जो है वो पर ट्रिप कितना हो रहा है। ओके, सो जैसे कि हम लोग ने प्रॉब्लम में दे दिया था कि मेंटेनेंस वुड बी रुपीज 1.50 पर किलोमीटर, तो ये जो ट्रक है ऑनवर्ड ट्रिप के लिए 60 किलोमीटर है और रिटर्न ट्रिप के लिए और 60 किलोमीटर है, मतलब 120 किलोमीटर के लिए मेंटेनेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स 2 इंटू 60 किलोमीटर इंटू 1.5 रुपीज, सो आ गया आपका 180 रुपीज। मतलब एक ट्रिप के लिए मेंटेनेंस के पीछे 180 रुपीज खर्च हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे टायर कॉस्ट। अब टायर कॉस्ट हम लोग ने प्रॉब्लम में मेंशन कर दिया है, इट इज रुपीज 22,500। सो सिंस इट्स अ 10 व्हीलर ट्रक, राइट, सो 10 चक्का है, सो टोटल टायर कॉस्ट कितना होगा, इट्स 22,500 इंटू 10, सो आपका टोटल टायर कॉस्ट आ गया 2,25,000। अब प्रॉब्लम में जैसा मेंशन किया है द लाइफ साइकिल ऑफ टायर्स इज टेकन एज 75,000 फॉर अ पर्टिकुलर रूट। ओके, सो टायर कॉस्ट पर किलोमीटर कितना होगा, देखिए टोटल टायर कॉस्ट आ गया कॉस्ट ऑफ वन टायर इनटू नंबर ऑफ टायर्स, सो टायर कॉस्ट पर किलोमीटर होगा वो टोटल ट्रक टायर कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ साइकिल ऑफ ईच टायर। ओके, अब ये टायर कॉस्ट जो आया है तो टायर कॉस्ट पर ट्रिप कितना होगा, सो इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम द फॉर्मूला, टोटल टायर कॉस्ट फॉर अ ट्रिप पर किलोमीटर इनटू टोटल डिस्टेंस, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आप लोग ऑनवर्ड प्लस रिटर्न दोनों पकड़ के चलिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आ रहा है आपका 10 इंटू 22,500, 2,25,000 आ गया आपका टोटल टायर कॉस्ट डिवाइड बाई 75,000 जो है लाइफ साइकिल ऑफ द टायर। इसका मतलब है 3 रुपया लग रहा है पर किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको 120 किलोमीटर के लिए कॉस्ट करना पड़ रहा है तो इट विल बी सिंपल, 120 इंटू 3, तो आपका 360 रुपया आ गया है टोटल ट्रक टायर कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप। ओके, अब अगला जो स्टेप है उसमें हम लोग डीजल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फ्यूल कॉस्ट। अब गाड़ी विदाउट फ्यूल चलेगा नहीं, जैसे कि आप लोग जानते हैं जितना डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा, और हर ट्रक का एक माइलेज रहता है, इट्स रेंजेस बिटवीन 3.5 to 4.5, मतलब एक लीटर डीजल में कितना किलोमीटर गाड़ी चलता है। सो हम लोग ने मेंशन कर दिया था कि एक लीटर डीजल में 4 किलोमीटर ट्रक चलेगा, और डीजल का कॉस्ट मैंने पकड़ा है रुपीज 67 पर लीटर। तो टोटल डीजल कॉस्ट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि टोटल फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रिप कितना होगा, तो वो हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर इनटू अमाउंट ऑफ डीजल यूज्ड, इट्स सिंपल। अब जब वो गाड़ी 60 किलोमीटर जाएगा अनलोड करने, फिर वापस 60 किलोमीटर आएगा प्लांट में, तो टोटल 120 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना चाहिए कि कितना डीजल लगेगा। सो इन दैट केस सिंस 4 किलोमीटर पर लीटर इज द माइलेज, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय माइलेज से हम लोग को मिल जाएगा कितना लीटर्स ऑफ डीजल लगेगा। सो इन दिस केस 30 लीटर्स ऑफ डीजल लग रहा है। अब एक लीटर डीजल का दाम है 67 रुपीज, तो 30 लीटर्स का दाम होगा 2010 रुपीज, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को टोटल करेंगे, आपका मेंटेनेंस जो आया है, टायर का जो आया है, और फ्यूल का जितना कॉस्ट आया है, वो सबको वो तीनों कंपोनेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फॉर द ट्रिप आ गया है रुपीज 2,550 रुपीज, ठीक है। अभी हम लोग को फिक्स्ड एक्सपेंसेस मिल गया, वेरिएबल कंपोनेंट्स मिल गया, हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस को एड अप करेंगे। इन दिस केस हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंसेस है रुपीज 2,593,
फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप, और वेरिएबल एक्सपेंसेस है ₹2,550, दोनों का एडिशन करके आ रहा है ₹5,143। ओके, ये हो गया एक ट्रक ओनर, एक ट्रिप के लिए इतना उसका खर्च होगा, राइट। अभी ये तो खर्च हो गया, इसके ऊपर वो तो एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा जो हम लोग ने ट्रांसपोर्टर मार्जिन बोला था। अब फॉर एग्जांपल द ट्रांसपोर्टर इज एक्सपेक्टिंग अ 10% प्रॉफिट ऑन हिज एक्सपेंसेस। अब 5,143 रुपीज उसका एक्सपेंसेस है, अब 10% उसको प्रॉफिट करना है, तो टोटल प्रॉफिट उसको ₹514 चाहिए होगा। ओके, सो अभी हम लोग सब कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, फिक्स्ड कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट एज वेल एज द ट्रांसपोर्टर मार्जिन, तो हम लोग का टोटल वैल्यू आ रहा है ₹5,657। ये तो उसका भाड़ा हो गया, पूरा ट्रक्स का भाड़ा हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप। अब फ्रेट एज यू नो इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज पर मेट्रिक टन। ये 5,657 रुपीज जो है ये है फॉर द 17 मेट्रिक टन कंसाइनमेंट। सो फॉर 1 मेट्रिक टन कंसाइनमेंट फ्रेट क्या होगा, इट्स सिंपल 5,657 रुपीज डिवाइडेड बाई 17 मेट्रिक टन, तो आपका आ गया ₹333 रुपीज पर मेट्रिक टन। ये हो गया आपका फ्रेट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फ्रेट। ओके, आई बिलीव दैट मैंने आप लोग को कुछ आइडिया दिया है अबाउट हाउ डू यू गो अबाउट इन कैलकुलेटिंग रोड फ्रेट। सो अपना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको डेडिकेटेड और मार्केट ट्रक्स का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।